हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने देखिए 4 फोल्ड किया है। यहाँ से ये ओपन साइड है कि ये 4 पार्ट है और यहाँ से ये फोल्डेड साइड है। सबसे पहले हम क्रोच लेंथ लेंगे यानी आसन की लंबाई। तो यहाँ ओपन साइड से हम आसन की लंबाई लेंगे। तो आसन की लंबाई है 15 इंच, उसमें से 6 इंच का अलग से बेल्ट अटैच होगा, तो 6 इंच हम ऊपर निकाल देंगे और नीचे इस तरह 15 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह 9 इंच पे ये निशान लगा है। अब हम यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे अंदर की तरफ और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और अब इसमें हम आसन का शेप बनाएंगे इस तरह। अब हम सलवार की लेंथ लेंगे। तो मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 40 इंच, उसमें से 6 इंच ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए और नीचे इस तरह 40 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब इन निशान को हम सीधा कर लेंगे। और अब बॉटम का यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है इसकी 14 इंच, उसका हाफ होता है 7 और उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 8 इंच पे मैंने बॉटम का निशान लगाया। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ बॉटम से इसे नीचे से हल्का सा क्रॉस कर देंगे इस तरह। अब ये मार्किंग हो गई है, इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग कर ली है मैंने। अब इसके बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस बचे हुए फैब्रिक से हम बेल्ट कट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 फोल्डेड फैब्रिक के पीस है। यहाँ से देखिए ये फोल्डेड है। बेल्ट की रेडी लेंथ थी 6 इंच, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे क्योंकि ऊपर से हमारा 1.5 इंच नेफा फोल्ड होगा और नीचे से 1/2 इंच सिलाई में दबेगा। तो 8 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे बेल्ट की इस तरह से और यहाँ से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर जो भी हिप साइज हो उसका 1/4 हिस्सा प्लस उसमें 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। इस तरह 12 इंच मैंने बेल्ट की चौड़ाई रखी है। अब इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमारा बेल्ट कट हो गया है। सेंटर में इसके एक कट लगा लेंगे और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को मिला के इस तरह ओपन कर लेंगे। दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और एक साइड आसन पर सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह बेल्ट के दोनों पार्ट को मिला के एक साइड से जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए एक साइड का आसन मैंने जॉइंट कर लिया है और ये हमारा बैक साइड रहेगा। और सेम इसी तरह मैंने बेल्ट भी जॉइंट कर लिया है और बेल्ट में हमने जो कट लगाया था साइड में वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब बेल्ट और सलवार को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह मैच करेंगे। और अब देखिए इस तरह हमारे बैक साइड में सेंटर में 2 प्लीट्स आएगी और फिर यहाँ से इसे हम इस निशान तक सीधा स्टिच करेंगे और फिर आगे से हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। इस तरह हम सिर्फ आगे की तरफ सलवार में प्लीट्स डालेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट को मैंने इस तरह मिला लिया है। बेल्ट की और सलवार की सीधी साइड अंदर की तरफ है और दोनों को सेंटर से बराबर मिला लेंगे और पहले हम बैक साइड में 2 प्लीट्स बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह सेंटर में 2 प्लीट्स बना लेंगे बैक साइड में और इसे पिन अप कर लेंगे। और अब हम आगे की तरफ इस तरह इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो 1 इंच छोड़ के हमें इसमें प्लीट्स बनानी है और प्लीट्स का फेस हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह। तो इस तरह हमें सारे प्लीट्स बनानी है। तो ये देखिए जो हमारी लास्ट प्लीट है वहां से सेंटर तक हम इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ से इसे नापेंगे तो ये आ रहा है 17 इंच पे। तो दूसरी साइड भी 17 इंच तक हमें इसे सीधा ही सिलना है। तो इस तरह सेंटर से नापेंगे 17 इंच तक निशान लगा लेंगे।
और अब इस निशान से दूसरी साइड में प्लीट्स डालेंगे और दूसरी साइड प्लीट्स का मुंह हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरह। तो ये सिंपल सलवार है हमारी, इसमें हमारी ज़्यादा प्लीट्स नहीं आती है, थोड़ी प्लीट्स आएगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड प्लीट्स बना ली है और अब हम इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो सिलाई मार्जिन को ऊपर की तरफ रखते हुए हम इस पर दो टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह हम साइड में भी एक और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर दो टॉप स्टिच लगा ली है और अब हम दूसरी साइड का आसन भी ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इस तरह मिला लेंगे और पहले हम यहाँ पे हाफ इंच तक इसे स्टिच करेंगे और फिर बीच में इसमें एक इंच का गैप रखेंगे और फिर नीचे की तरफ हम इसे सिलेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से इसे स्टिच किया है और बीच में एक इंच का गैप रखा है डोरी इंसर्ट करने के लिए। अब हम इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे नेफा। तो पहले साइड से इस तरह मार्जिन फोल्ड करेंगे और दोनों साइड मार्जिन को फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। और अब हम पहले देखिए बेल्ट को ऊपर से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए मैंने इसे हाफ इंच फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे एक इंच फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके नीचे किनार में सिलाई लगाएंगे पूरे राउंड में। तो ये देखिए बेल्ट फोल्ड हो गया है और जो यहाँ पे गैप है इसमें से हम इसमें दोरी डालेंगे। अब हम इसकी मोरी फोल्ड करेंगे। तो ये एक इंच चौड़ी कैनवास की पट्टी ली है मैंने, इसे हम रॉन्ग साइड पे रख के पहले प्रेस करके चिपका लेंगे। तो रॉन्ग साइड पे इसे रख के प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर लिया है और अब नीचे से हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ नीचे किनार पे सिलाई लगाएंगे और बाद में मोरी के सेंटर में भी दो तीन सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की मोरी मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसमें अंदर की तरफ फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे बॉटम रखी है मैंने इसकी 7 इंच। अब 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसके इनर लेग में सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो ये सिंपल सलवार बनके अब रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। और सलवार में दोनों साइड प्लीट का फेस अंदर की तरफ है और यहाँ पे जो ये गैप है इसमें हम डोरी डालेंगे। तो देखिए इस तरह की हम इसमें फैब्रिक से डोरी बना लेंगे और यहाँ से पिन की हेल्प से इसमें डाल देंगे।